देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय से है। लखीसराय हलसी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेम डीहा मोड़ के पास बुधवार की रात्रि एक फल सब्जी गुमटी में आग लगने से उसमें रखे हुए लगभग 10,000 की सामान और 5,000 रुपया नगद जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि हलसी थाना क्षेत्र की धीरा पंचायत अंतर्गत धीरा गांव निवासी मोती साहू के 32 वर्षीय पुत्र शर्मा जीतू साहू अपने घर के बगल में स्थित फल सब्जी दुकान की गुमटी को रोज की भांति शाम को बंद कर बगल में स्थित अपने घर चले गए। तभी रात्रि के लगभग 11 बजे अचानक गुमटी में आग लग गई। एक ट्रक संचालक द्वारा हॉर्न के माध्यम से अगल बगल के लोगों को जानकारी दी गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक आग से दुकान में रखे सभी सामान एवं नगद 5,000 रुपया जलकर राख हो गया। इस संबंध में पीड़िता के द्वारा बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुश्मनी से मेरे गुमटी में आग लगा दिया। गुमटी में ना ही बिजली और ना ही कनेक्शन है और ना ही अलग कहीं अलाव जलाया गया था। सुबह इसकी जानकारी हलसी थाना प्रभारी विजय कुमार को दी गई। वे मौके पर उपस्थित होकर घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए जांच पड़ताल में जुट गई है। लखीसराय जिले से सुजीत कुमार संघ, केशव कुमार की रिपोर्ट।